ये घटना गुजरात के बड़ौदा शहर की है। बड़ौदा शहर में हारनी तालाब के अंदर दशा माँ की मूर्तियां को विसर्जन किया था, जो कि बहुत गलत तरीके से किया गया था, जो कि बहुत निंदनीय है, माँ का अपमान है। विसर्जन हमेशा बहते पानी में होता है और ताकि मूर्तियां खंडित ना हो और वो मूर्तियां फिर से पानी और धरती माँ से फिर से मिल जाए। जिन मूर्तियों को हमने 9 दिन घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कैसे हम उन मूर्तियों को तालाब के गंदे पानी में विसर्जन कर सकते हैं? ये हमारी आस्था का अपमान है। आने वाले कुछ ही दिनों में गणेश विसर्जन आ रहा है। अब गणेश जी की पूजा और आराधना में ये भूल फिर से ना हो, गुजरात सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए तथा हिंदुत्वों को विसर्जन के लिए कोई अच्छी और बहते पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।